नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के सेगमेंट प्री मैच एनालिसिस में, जहां पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच होने वाले सेकंड T20I मैच की। जी हां दोस्तों, तीन मैचों की T20I सीरीज इस वक्त भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला इंडिया वुमेन्स की टीम ने 9 विकेट से अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों, आने वाले 2 मैचेस भी जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है अगर वो ये सीरीज जीतना चाहते हैं। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम ने जिस तरह से ओडीआई सीरीज पर कब्जा किया है, क्या वो T20I सीरीज पर भी कब्जा कर पाएंगे या फिर यहाँ पर भारतीय टीम के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, आज के हमारे मैच प्रीव्यू में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में सेकंड T20I मैच डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम नवी मुंबई में ही खेला जाएगा 7 जनवरी को शाम 7 बजे। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर 3 मैचेस अभी तक खेले गए हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ही 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर रहा है 180 का, हाईएस्ट स्कोर बनाया है इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 187 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है इंडिया वुमेन्स की टीम के नाम, जिन्होंने 5 विकेट पर 172 रन स्कोर किए थे। हेड टू हेड कंपैरिजन की अगर बात करें तो 32 मैचेस खेले गए हैं इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में, जिसमें से एक मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। इंडिया वुमेन्स की टीम ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने 23 मैचेस अपने नाम किए हैं। अब देखिए, ऐसे में पहला मुकाबला तो भारतीय टीम अपने नाम कर चुकी है बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी, तो ऐसे में क्या हरमनप्रीत कौर कुछ बदलाव करना चाहेंगी अपनी प्लेइंग 11 में, इसके बारे में आपको बता देते हैं, यानी कि बात करते हैं इंडिया वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो देखिए, यहां पर शामिल रह सकते हैं शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, पूजा वस्त्रागर, श्रियंका पाटिल, टिटा साधु और रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों एक बार फिर से हमें नजर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के खिलाफ भिड़ते हुए। बात करें यहाँ पर की प्लेयर्स की, तो देखिए स्मृति मंधाना का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के खिलाफ फर्स्ट T20I मैच में 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी और उनका स्ट्राइक रेट था 103.85 का। शेफाली वर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने भी फर्स्ट T20I मैच में अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 64 रन स्कोर किए थे और उनका स्ट्राइक रेट था 145.45 का। इनके अलावा देखिए, गेंदबाजी में टिटास साधु बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आई थी, 4 विकेट उन्होंने अपने नाम किए थे और उनका इकोनॉमी रेट था 4.20 का। तो वहीं श्रियंका पाटिल और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। बता दें कि श्रियंका पाटिल ने 5.70 के इकोनॉमी रेट से 2 विकेट चटकाए, तो वहीं दीप्ति शर्मा ने 6 के इकोनॉमी रेट से 2 विकेट अपने नाम किए। तो ये तो हो गई इंडिया वुमेन्स की प्लेयर्स की बात दोस्तों। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 की, तो देखिए यहाँ पर कौन 11 खिलाड़ी शामिल रहेंगे इनके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर शामिल रह सकते हैं एलिसा हेली, बेथ मुनी, ताहिला मैग्राथ, एलिसा पेरी, एशले गार्डनर, फोबी लिचफील्ड, ग्रेस हैरिस, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया बेरेम, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। अब दोस्तों ये तो 11 खिलाड़ियों के नाम हो गए, लेकिन इनमें से वो कौन से चुनिंदा खिलाड़ी रहेंगी जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती हैं हमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी से, क्योंकि पिछला मुकाबला यानी कि फर्स्ट T20I मैच जो था वहां पर हमें कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था गेंदबाजी की तरफ से। तो यहां पर कौन सी वो खिलाड़ी रहेंगी जो कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनके नाम आपको बता देते हैं, यानी कि बात कर रहे हैं की प्लेयर्स की। तो एलिसा पेरी का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने इंडिया वुमेन्स के खिलाफ फर्स्ट T20I मैच में 123.33 के स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए थे। इनके अलावा फोबी लिचफील्ड थी, जिन्होंने इंडिया वुमेन्स के खिलाफ 49 रन स्कोर किए थे 153.12 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर और कोई बल्लेबाज कुछ कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, यानी कि अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए थे, लेकिन अगले मुकाबले में यानी कि सेकंड T20I मैच में बेथ मुनी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती हैं। अगर उनके ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो 89 T20 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 2508 रन स्कोर किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 124.03 का। गेंदबाजी की बात करें तो फर्स्ट T20I मैच में इंडिया वुमेन्स के खिलाफ एकमात्र जॉर्जिया बेरेम रही थी, जिन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया था 5.50 के इकोनॉमी रेट से। तो वहीं आखिरी नाम हमने शामिल किया है मेगन शूट का, जिन्होंने अभी तक तो 1 भी विकेट नहीं लिया है, लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो 102 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 130 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है 6.32 का। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की वो की प्लेयर्स जो कि अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती हैं सेकंड T20I मैच में। फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, तो जैसा कि आप पिछले रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट T20I के मैच प्रीव्यू में भी हमने आपको बताया था कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम इस मुकाबले को जीत सकती है और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला। तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर जो टीम टॉस जीतेगी वो इस मुकाबले को जीती हुई नजर आ सकती है, यानी कि सेकंड बैटिंग करते हुए टीम इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई दिखाई देगी। वेल, आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर वापसी करती हुई नजर आएगी या फिर इंडिया वुमेन्स की टीम सेकंड T20I मैच को जीतकर इस सीरीज पर
कब्जा जमाती हुई दिखाई देगी। क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।